हेलो डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो कि आपका लेक्चर नंबर 3 है, हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं बच्चों? हम प्लेन मिरर, राइट। और इस प्लेन मिरर पे हम इंसिडेंट लाइट को फॉल करवाते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे को हम फॉल करवाते हैं। क्या है ये? इंसिडेंट रे, राइट। तो बेटे यहाँ पे ये लाइट पड़ेगी, पड़ने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या? आपके पास सेम मीडियम में लाइट का जाना। तो यहाँ पे यदि हम नॉर्मल ड्रा करें, नॉर्मल टू द सरफेस, ये मिरर है आपका। तो मिरर के ऊपर हम नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे आपकी एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। कौन सा लॉ आ गया बच्चों? ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड लॉ आपके पास क्या है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, राइट, और बच्चों आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और आपका नॉर्मल, ये सारे कहाँ लाई करते हैं? लाई इन द सेम प्लेन, है ना, लाई इन द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं। देखो इंसिडेंट रे आ गया आपके पास, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे और ये आपके पास आ गया नॉर्मल। तो ये कहाँ लाई कर रहे हैं? एक ही प्लेन में। देखो हम पेपर के ऊपर इन सबको हम बना पा रहे हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये हमारे पास आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये जो आपकी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आपके प्लेन मिरर के लिए वैलिड है, राइट, प्लेन मिरर के लिए वैलिड है। उसके बाद बच्चों आपके पास ये स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है, राइट। किसके लिए वैलिड है बेटे आपके? ये स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है। स्फेरिकल मिरर में क्या आता है आपका? स्फेरिकल मिरर में आपका कन्वेक्स मिरर आता है और आपका कौन सा आता है? कनकेव मिरर आता है ना। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से हम पढ़ेंगे कि आप कैसे कन्वेक्स मिरर की पहचान करोगे और कनकेव मिरर की पहचान आप करोगे। तो बच्चों हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में और पढ़ेंगे। तो एक टाइप है रिफ्लेक्शन की जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपकी डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है ये कहाँ से होती है? जब आपके पास सरफेस कैसा है बच्चों? रफ है, इररेगुलर सरफेस है, ठीक है। कई बार होता है ना, जैसे अभी बरसात हो रही है तो बरसात के टाइम में क्या होता है? सड़क के अंदर कोई गड्ढा पड़ा है तो लाइट जो है वो इररेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है बेटा। क्योंकि जो लाइट है वो रैंडम मैनर में सब डायरेक्शन में क्या कर जाती है आपकी? रैंडम मैनर में, है ना, रैंडम मैनर में ये लाइट आपकी डिफरेंट डायरेक्शंस में आपकी जो है वो फैल जाती है। तो इसको हम बोल देते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। तो इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन में जो लार्ज पोर्शन है बच्चों आपका, है ना, लार्ज पोर्शन है तो वो आपका स्कैटर्ड हो जाता है। लार्ज पोर्शन ऑफ द लाइट इज स्कैटर्ड, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट आपका इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर, ठीक है बेटा। प्लेन मिरर के बारे में हम इमेज फॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों प्लेन मिरर की सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, राइट। तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं बेटे इसको। हम प्लेन मिरर में देखो, ठीक है, यदि आपको समझ आ रहा है बच्चों तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, तो फिर आपको लाइक करने का टाइम नहीं मिलता। तो बच्चों ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी नॉर्मल, है ना। तो ये नॉर्मल टू दी मिरर हमने ड्रॉ यहाँ पे कर दी। यहाँ पे हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा बच्चों, हमने क्या रखा? हमने ए बी ऑब्जेक्ट रखा। कितनी हाइट का है? एच हाइट का है, ठीक है। तो एक बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आती हैं, लेकिन हम जनरली मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, आने के बाद क्या हुआ बेटा? ये रिफ्लेक्ट कर गई, है ना, आई इक्वल टू आर। अब ये आपकी नॉर्मल आ रही है बेटा, तो नॉर्मल आएगी तो नॉर्मल ही जाएगी, छोटी क्लासेस में आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। यदि बेटा हम इसको थोड़ा सा आगे डॉटेड लाइन में बढ़ाएं और इस लाइन को हम रिप्रोड्यूस करें, है ना, तो यहाँ पे आपके पास जो इमेज है बेटे आपकी बन जाएगी
ए डैश बी डैश, ठीक है, एच डैश आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को यू से लिखें और पोजीशन ऑफ द इमेज को किससे लिखें, हम बी से लिखें, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो मिरर है ये प्लेन मिरर है और इस मिरर की फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि कैसी इमेज बन रही है आपकी, वर्चुअल इमेज आपकी बन रही है बेटे, ठीक है, क्या बन रही है आपके पास, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जितनी दूरी पे ये रखा है उतनी दूरी पे ही इमेज बन रही है, ठीक है, तो सेम डिस्टेंस पे है ना, सेम डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये जो हाईली पॉलिश्ड आपका फ्लैट सरफेस है इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेन मिरर हम इसको बोल देते हैं। तो एच हाइट यहाँ पे है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एच इज इक्वल टू एच डैश। एक और बात है जो प्लेन मिरर की विशेषता है कि यहाँ पे जो इमेज बनती है वो बनती है लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है आपकी, ठीक है। कैसी बनती है बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब पता है क्या, यहाँ पे इंग्लिश का लेटर एल रखोगे तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, उल्टा एल आपका बनेगा। आपने एम्बुलेंस भी देखा होगा कि मिरर के पीछे एम्बुलेंस आके ऐसे लिखा होता है। तो बेटे अब हम थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताएंगे, इम्पोर्टेंट है ये, दो नंबर से कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन आपका रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटा। तो हम डिफरेंस को स्टडी करेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो बेटे सबसे पहला डिफरेंस आपके पास है कि जो रियल इमेज है, ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो बच्चों जब आपकी कन्वर्ज होती है कोई चीज़ है ना, जब रे ऑफ लाइट क्या होती है बेटे, कन्वर्ज होती है, तो उसको हम बोल देते हैं कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो वर्चुअल इमेज आपकी जब डाइवर्ज होती है आपकी रे ऑफ लाइट है ना, तो ऐसा लगता है कि अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। तो रियल इमेज आपकी तब बनती है जब दो और दो रेज ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट, और जब ये आपकी वर्चुअल इमेज तब बनती है जब आपकी टू और मोर रेज अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो आपकी रियल इमेज है वो स्क्रीन पे मिल जाएगी बच्चों, है ना, स्क्रीन पे मिल जाएगी, और ये कहाँ मिलेगी, बिहाइंड द स्क्रीन, है ना। तो वर्चुअल इमेज कहाँ मिलेगी आपकी, स्क्रीन पे तो मिलेगी नहीं, तो कहाँ मिलेगी, बिहाइंड दी स्क्रीन, है ना। उसके बाद जो बेटा रियल इमेज है वो कैसी होती है आपके पास, इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्वर्टेड है ना। जैसे ये यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है तो रियल में ये उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज कैसी दिखती है आपकी, हमेशा कैसी दिखती है बच्चों, इरेक्ट दिखती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखी थी, तो प्लेन मिरर में क्या था बेटा, प्लेन मिरर में जो आपकी एच ऑब्जेक्ट था, राइट, तो जब हमने इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाया था तो आपका जो एच डैश था वैसा ही इमेज आपका मिल गया था, सेम दूरी पर मिल गया था, और एच इज इक्वल टू कितना था आपके पास, एच डैश। तो अब आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस से समझाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको और नॉलेज दे रहे हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस, घर में स्पून तो पड़ा होगा सबके, है ना, तो स्पून से भी आप चेक कर लेना बेटा, स्पून का जो शेप है आपकी लगभग आपकी ऐसे बनती है। तो ये स्पून का जो कर्व सरफेस है, ये वाला इनवर्ड है ना, अंदर की तरफ है ये वाला, ये कर्व सरफेस कैसा है, कर्व्ड इनवर्ड, और ये बाहर वाला है कर्व्ड आउटवर्ड, है ना। तो ये जो साइड है आपके पास है ना, ये वाली साइड जो अंदर वाली साइड है, इस साइड को हम बोल देते हैं कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर। दूसरे शब्दों में हम ये बोल दें कि जब रिफ्लेक्टिंग अंदर से हो रही है, कर्व्ड इनवर्ड
रिफ्लेक्शन कहाँ से, यहाँ पे रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो वापस हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन जब आपकी कहाँ से हो रही है, कर्व्ड इनवर्ड, तो जब कर्व्ड इनवर्ड है तो आप बेटा क्या बोल सकते हो, जब रिफ्लेक्शन कर्व्ड इनवर्ड है तो ये जो आपका मिरर है दिस इज कनकेव, है ना, कैसा मिरर आपका, ये कनकेव। तो बच्चों ये जब रिफ्लेक्शन कर्व्ड आउटवर्ड यहाँ से हो रही है, रे ऑफ लाइट पड़ रही है फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इस पर्टिकुलर साइड को हम कन्वेक्स साइड भी बोल देते हैं, और मिरर को क्या बोल देते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पहचान है। यदि आप मेरा हाथ देख रहे हो आप, तो ये जो कर्व्ड इनवर्ड है ये आपके पास क्या है, कनकेव, है ना, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है आउटवर्ड सरफेस से तो ये आपके पास कन्वेक्स है। तो जो कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर, तो इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, हम इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं। तो स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन है, ये हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर का मतलब पता क्या हुआ आपके पास, जैसे देखो ये स्पून है आपके पास, राइट, तो इस स्पून को यदि हम कंप्लीट करेंगे बेटे, देखो ध्यान से, तो ये किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, तो हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, तो ये छोटा सा क्या है, ये स्फीयर से काटा गया पार्ट है। जैसे मान लो आपके पास गेंद है, गेंद से क्या किया आपने, छोटा सा पार्ट काट लिया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर, ठीक है।